फाइनली एक ऐसी आधुनिक टेक्नोलॉजी आ गई है जिसे एक अंधा इंसान देख सकता है। That's great. That's amazing. एक गुंगा इंसान बोल सकता है I can talk to you with my thoughts. और अपने परिवार वालों को ही भूलते जा रहा एक अल्जाइमर्स का पेशेंट अपनी यादें समेट के रख सकता है। इस टेक्नोलॉजी का नाम है ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस और अगले 2-3 सालों में ये एक रियलिटी बनने वाली है। The first person to be implanted with a stent rod interface is the Australian Graeme Felsted. His brain signals are transmitted to a sensor in the chest where a receiver forwards them to a computer. This enables Graeme Felsted to chat and surf the internet using thought alone. दरअसल आज से एक दशक पहले इस टेक्नोलॉजी का विजन लेकर 3 दावेदार मार्केट में उतरे थे। पहले प्लेयर्स थे 2 US साइंटिस्ट जो 2011 से एक BCI चिप पर काम कर रहे थे और उन्होंने 2015 में एक न्यूरालिंक नाम की कंपनी तक बना ली थी। दूसरी प्लेयर थी 2012 में शुरू हुई एक कंपनी कॉल्ड सिंक्रॉन जो अगेन एक नई स्टार्टअप थी और थर्ड प्लेयर था इलॉन मस्क, अ वन मैन आर्मी। अब ध्यान से सुनना इस स्टोरी को, काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इनमें से पहले वाले प्लेयर के पास BCI बनाने का एक विजन था, अपने फ्यूचर स्टार्टअप के लिए कैची सा नेम था, बस सिर्फ बिजनेस माइंडसेट और फंडिंग उन्हें नहीं मिल रही थी। दूसरे वाले के पास नाम, विजन, टेक्नोलॉजी और यहां तक कि बिजनेस का माइंडसेट भी था, बस सिर्फ उसके पास फंडिंग नहीं थी। और इलॉन मस्क के पास विजन, बिजनेस माइंडसेट और फंडिंग थी, पर अपने इस नए स्टार्टअप के लिए ना कोई नाम था और ना ही कोई टेक्नोलॉजी। और तो और एक बड़ा डिसएडवांटेज ये था कि वो बाकी कंपनीज के मुकाबले 4 साल लेट मार्केट में उतरे थे, जो कि एक्चुअली मार्केट में काफी बड़ा डिसएडवांटेज होता है। सो क्लियरली मस्क रेस में काफी पीछे थे। बट देन कट टू 2024, इलॉन मस्क ने अपने BCI को सक्सेसफुली ह्यूमंस में इम्प्लांट भी कर दिया और इसकी मदद से यू वोंट बिलीव एक पैरालाइज्ड पेशेंट सिर्फ अपनी सोच से अब ऑनलाइन चेस तक खेल पा रहा है। इनफैक्ट इसी BCI टेक्नोलॉजी की मदद से अब वो एक ऐसा चश्मा बनाने वाले हैं जिसे पहनकर एक कंप्लीटली ब्लाइंड इंसान वापस से देख पाएगा। इस टेक्नोलॉजी का नाम है द बायोनिक आई। सो समहाउ 8 साल बाद इलॉन मस्क न्यूरालिंक और सिंक्रॉन इन दोनों कंपनी से काफी आगे निकल चुके हैं। पर आखिर इलॉन मस्क ने ये कमाल कैसे करके दिखा और इन 8 सालों में ऐसा क्या हुआ कि इलॉन मस्क के कॉम्पिटिटर के कंपनी का नाम न्यूरालिंक इलॉन मस्क के पास आ गया। वेल, काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इस बहुत ही प्रॉमिसिंग टेक्नोलॉजी की। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। दरअसल 2011 में US की केस वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के बायो इंजीनियर मोहसेनी और कैंसर्स यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर के ब्रेन स्पेशलिस्ट नूडो, इन दोनों ने मिलकर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक चिप बनाने के बारे में सोचा जो ब्रेन के डैमेज सेल्स को रिपेयर कर सके। उनका आइडिया काफी सिंपल था। ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स में आ रहे न्यूरॉन्स के सिग्नल्स को अपनी चिप में रिकॉर्ड करना और फिर उन सिग्नल्स को ब्रेन के डैमेज्ड पार्ट में रेप्लिकेट करना। अब मोहसेनी और नूडो की इस दिशा में अपनी रिसर्च चालू ही थी कि 2012 में एक और एक कंपनी बाय द नेम ऑफ सिंक्रॉन, जिसका भी विजन इन दोनों रिसर्चर्स के विजन के साथ करीब करीब मेल खा रहा था, वो भी मार्केट में उतरी। सो अब नेचुरली मोहसेनी और नूडो ने कंपटीशन को फील किया। अब कंपटीशन में जीत कर उभर आने के लिए उन्होंने सिर्फ 2 सालों में अपनी पूरी रिसर्च कंप्लीट कर दी और पहली ब्रेन चिप बना दी। उन्हें अपने चिप पर पूरा भरोसा था और इसीलिए उन्होंने उस चिप को एक ब्रेन डैमेज चूहे पर सक्सेसफुली टेस्ट भी किया। उन्होंने ये देखा कि ब्रेन इंजरी की वजह से जहां पर ये चूहा एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा पा रहा था, इस चिप के इंस्टॉलेशन के बाद वो आसानी से घूम पा रहा था, यानी कि ये चिप काम कर रही थी। और इसीलिए इस चिप के सक्सेसफुल एनिमल ट्रायल्स के बाद अब बारी थी ह्यूमन ट्रायल्स की। ह्यूमन ट्रायल्स के लिए उन्होंने अपने चिप को थोड़ा मॉडिफाई किया और एक नया प्रोटोटाइप बनाया। जैसे ही इनका नया प्रोटोटाइप तैयार हो गया, 2015 में इन्होंने एक कंपनी न्यूरालिंक के नाम से इसे रजिस्टर कर लिया। बट सैडली उस वक्त एक भी ऐसा इन्वेस्टर इन्हें नहीं मिला जो इन दोनों रिसर्चर्स के इस ब्रेन चिप में इंटरेस्टेड हो। इन शॉर्ट, सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि इनके पास प्रोडक्ट था, फ्यूचर विजन था, बट उस प्रोडक्ट को स्केल करने के लिए कोई इन्वेस्टर का सपोर्ट नहीं। और इसी चीज को अपने एडवांटेज में यूज किया इलॉन मस्क ने। असल में 2016 में मस्क ने भी खुद की एक कंपनी बनाई जिसका विजन इन दोनों कंपनी यानी कि न्यूरालिंक और सिंक्रॉन से बिल्कुल मिल रहा था। इस कंपनी के विजन को अचीव करने के लिए उन्होंने न्यूरोलॉजी, इंजीनियरिंग और मेडिसिन की फील्ड्स में से 1000 से भी ज्यादा कैंडिडेट्स को इंटरव्यू करके उनमें से हर एक फील्ड के बेस्ट को चुनकर 8 लोगों की एक तगड़ी टीम बनाई। अब ये 8 लोग लिटरली अपने अपने फील्ड के मास्टर्स थे।
अब ये मास्टर्स असल में दिखते कैसे हैं ये समझाने के लिए हम आपको इनका बायोडेटा दिखाना चाहते हैं। सो वो 8 लोग थे, ब्रेन मशीन इंटरफेस गीक और बायोमेडिकल इंजीनियर मैक्स होडैक, MIT से PhD करने वाले न्यूरोसर्जन बेंजामिन रैपोपोर्ट, दुनिया की सेकेंड मोस्ट पॉपुलर इंजीनियरिंग कंपनी बॉश में चिप डिजाइनर रह चुके इंजीनियर डोंगजिन सीओ, टॉप IT कंपनी IBM के चिप रिसर्चर पॉल मेरोला, कैंटेक यूनिवर्सिटी के न्यूरोसाइंटिस्ट फिलिप सेब्स, बॉस्टन यूनिवर्सिटी के बायोलॉजी प्रोफेसर टिम गार्डनर, फ्लेक्सिबल ब्रेन इलेक्ट्रोड्स पर रिसर्च करने वाले टिम हैंसन और न्यूरोटेक्नोलॉजिस्ट वेनेसा टोलोसा। सो ये थी ऑल इन ऑल इलॉन मस्क की विनिंग टीम जो उन्होंने खुद क्रिएट की। अब यहाँ पर आप देख सकते हो मस्क की स्ट्रैटेजी ही एकदम अलग है। अगर वो चाहते तो डायरेक्टली न्यूरालिंक के फाउंडर्स को ही खरीद सकते। सो आखिर उन्होंने इंस्टेड एक अलग ही टीम बनाने के पीछे अपना वक्त जाया क्यों किया? वेल, मेन रीजन तो है इलॉन मस्क टेक्नोलॉजी की रेस में पीछे नहीं रहना चाहते थे। देखो, साइंस इज एन एवर ग्रोइंग फील्ड, स्पेशली इंडिया में हाईएस्ट पे स्किल्स वाले जॉब्स में भी साइंस प्रोफाइल्स लाइक डॉक्टर्स और इंजीनियर्स काफी ऊपर आते हैं। लेकिन इंडिया में एक मेजर प्रॉब्लम ये है कि क्वालिटी कोचिंग की फीस काफी हाई है जो सभी के लिए अफोर्ड कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। सो व्हाट इफ आई टेल यू आपके लिए पूरी कोचिंग फ्री में हो सकती है? तो Yes, this is possible by Motion Education, which is one of the top institutes in Kota, especially JEE Mains or Advanced, NEET, NTSC, KVPY, Olympiads or Board Exam ki preparations ke liye. इनका ट्रैक रिकॉर्ड भी काफी स्ट्रॉन्ग है विद अ 70% सिलेक्शन रेट। और अभी फिलहाल इनके यहाँ पर तो लॉटरी 3.0 चालू है जिसमें जीतने वाले एक स्टूडेंट को तो कोटा में रहना, खाना पीना और पढ़ना सब कुछ 100% फ्री मिलेगा और बाकी के 21 स्टूडेंट्स को भी फ्री एजुकेशन मिलेगा। इसके अलावा इसमें 151 लकी स्टूडेंट्स को 90% तक की स्कॉलरशिप मिलेगी, 251 स्टूडेंट्स को 75% स्कॉलरशिप और 551 स्टूडेंट्स को 50% स्कॉलरशिप। पार्टिसिपेट करने के लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिंड कमेंट्स में एक लिंक डाल दिया है गूगल फॉर्म का, जिसमें आपको अपने बेसिक डिटेल्स, कोर्स नेम, क्लास और फाइनली अपने स्टेट और प्रेफर्ड सेंटर को चूज करना है। लॉटरी के विनर्स का अनाउंसमेंट लास्ट वीक ऑफ मार्च और फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल को हो जाएगा, तो डेफिनेटली गो एंड फिल द फॉर्म एंड आई ट्रूली विश यू विन द स्कॉलरशिप। और अब लौट आते हैं वापस हमारे वीडियो पर। वेल, दैट इज बिकॉज उन्हें पता था कि अगर मैं इन 8 लोगों पर इन्वेस्ट करूं तो ये लोग मेरे कॉम्पिटिटर्स और मेरे बीच में जो गैप है उसे एक साल में ही भर देंगे। और यही हुआ भी। 2016 में मस्क ने उन्हें हायर किया और एक साल के अंदर अंदर उनके पास टेक्नोलॉजी बनकर रेडी भी हो गई। अगर किसी चीज की कमी थी तो बस एक कैची से नेम की। एंड नाउ एनी गेसेस कि मस्क ने आगे क्या किया होगा? वेल, इलॉन मस्क ने अपनी कंपनी का नाम रख दिया Neuralink। Yes, वही Neuralink जो उनके कॉम्पिटिटर का भी नाम था। अब इलॉन मस्क का कहना है कि उस नाम में मस्क की कंपनी का विजन और उसके प्रोडक्ट का नेचर दोनों एकदम खूबसूरती से कैप्चर हो रहा था। ये नाम बिना कुछ कहे कंपनी के बारे में सब कुछ कह दे रहा था। बट जिन जिन्होंने इस पूरे VCI रेस के टाइमलाइन को ध्यान से फॉलो किया है वो अच्छे से समझ गए कि मस्क बेसिकली अपने कॉम्पिटिटर को रास्ते से हटाना चाह रहा था। अब यहाँ पर ब्रिलियंटली इलॉन मस्क के दो तरह से फायदे हो गए, क्योंकि जैसे ही मस्क ने न्यूरालिंक के फाउंडर्स को पैसे देकर उनसे उनका नाम खरीद लिया तो एक जरिए से मस्क ने उनकी मदद की उनके फर्दर रिसर्च के लिए फंडिंग देकर, लेकिन दूसरे पर्सपेक्टिव से अब उनके पास कोई कंपनी नहीं है, जस्ट 2 इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट वर्किंग ऑन देयर प्रोजेक्ट। सो बेसिकली एंटिटी का एस्टैब्लिशमेंट और नाम के राइट्स तो इलॉन मस्क के पास आ गए। बट दूसरे तरफ जहां पर इलॉन मस्क अपने कॉम्पिटिटर से आगे बढ़ने की सोच रहे थे, उनके कॉम्पिटिटर्स भी उसे अपने रास्ते से हटाने की सोच रहे थे। सो न्यूरालिंक नाम खरीदने के कुछ ही महीने पहले मस्क के कॉम्पिटिटर्स जेफ बेजोस और बिल गेट्स ने 2012 में बनी सिंक्रॉन को फंड करना शुरू कर दिया ताकि वो मस्क के न्यूरालिंक से आगे निकल सके। एंड दे स्टार्टेड गेटिंग एन एज। जिस साल सिंक्रॉन को फंडिंग मिली उसी साल उन्होंने अपने एनिमल ट्रायल्स को सक्सेसफुली कंप्लीट भी कर लिया और 2021 तक तो इस कंपनी ने ह्यूमन ट्रायल्स भी शुरू कर दिए थे। अब ऐसे में क्या इलॉन मस्क इनसे जीत पाता? वेल, उम्मीद बहुत कम थी क्योंकि सिंक्रॉन ऑलरेडी बहुत आगे था रेस में, बस सिर्फ एक ही चीज की कमी थी, फंडिंग, और वो भी अभी उसे मिल चुकी थी। बट फिर भी एक चमत्कार की वजह से बाजी पलटने लग गई। सो 2016 में जैसे आपको बताया मस्क ने 8 लोगों की टीम बनाई थी जो एक ही साल में चिप बना दी और फिर उसके बाद वो एनिमल ट्रायल्स के लिए तैयारी शुरू करने लगे। उनके एनिमल ट्रायल्स के इनिशियल रिजल्ट्स एवरेज परफॉर्मेंस से काफी ज्यादा हाई निकले। इस एनिमल ट्रायल के लिए उन्होंने एक मंकी के ब्रेन में N1 चिप को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया था और इसके बाद उस मंकी ने सिर्फ अपने थॉट से कंप्यूटर पर एक गेम खेल कर दिखाया, जिसे हमने डिटेल में अपने इस वीडियो में कवर भी किया है, जहां पर 2012 में शुरू हुए सिंक्रॉन को अपने एनिमल ट्रायल्स करने में 4 साल लग गए थे
वहीं एलॉन मस्क की टीम ने सेम चीज एक ही साल में करके दिखा दिया। अब न्यूरालिंक के इस सक्सेस को देखकर सिंक्रॉन अलर्ट मोड में आ गया और अपने सारे रिसोर्सेस को यूज करके उसने 2023 में ह्यूमन ट्रायल्स को भी सक्सेसफुली कंप्लीट करके बताया। अब ये एनिमल ट्रायल से भी एक लेवल ऊपर का था जिसने मस्क को अपने बैकफुट पर ला दिया। अब सबको ऐसा ही लग रहा था कि एलॉन मस्क की न्यूरालिंक कंपनी फाइनली बैटल हार चुकी है, बट देन ऑल ऑफ अ सडन आज यानी 21 मार्च 2024 को एलॉन मस्क का ये ट्वीट आता है कि न्यूरालिंक के ह्यूमन ट्रायल सक्सेसफुली हो चुके हैं और इस ट्रायल में एक पैरालाइज्ड पेशेंट नोलन आरबॉग बस सिर्फ अपनी सोच से अब लैपटॉप पर ऑनलाइन चेस खेल पा रहा है। एंड दिस इज हाउ न्यूरालिंक के उस टेस्ट पेशेंट ने बस अपनी सोच से ऑनलाइन चेस खेल के बताया। तो देखो ये टेक्नोलॉजी लगती कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड हो बट इसका वर्किंग काफी सिंपल है। सबसे पहले इसे इंस्टॉल करने के लिए स्कल को ओपन करके इस चिप पर लगे 1024 हेयर लाइक फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रोड्स को ब्रेन में इंसर्ट किया जाता है। फिर ये इलेक्ट्रोड्स ब्रेन में हो रहे न्यूरल एक्टिविटीज को डिटेक्ट करके उसे जीरोस और वंस में कन्वर्ट करते हैं। फिर ये सिग्नल ब्लूटूथ के जरिए सामने रखे कंप्यूटर में ट्रांसफर होता है जिसे पढ़कर कंप्यूटर उसी हिसाब से काम करता है। एंड दिस इज हाउ न्यूरालिंक के उस टेस्ट पेशेंट ने बस अपनी सोच से ऑनलाइन चेस खेल के बताया। और मस्क के अनुसार ये पैरालाइज्ड पेशेंट्स एनिमल ट्रायल्स के उस मंकी की ही तरह कई सारे कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज भी कर पाएंगे सिर्फ और सिर्फ अपने सोच से। लेकिन आई वुड से मस्क को अपने स्टेटमेंट को बहुत ही जल्द प्रैक्टिकली प्रूफ करके भी दिखाना होगा क्योंकि कॉम्पिटिटर्स रियल टाइम में काफी आगे निकल रहे। अनलाइक N1 चिप, सिंक्रॉन ने एक ऐसा ब्रेन स्टेंट बनाया है कॉल्ड स्टेंट रोड, जिसकी खास बात यह है कि इसे ब्रेन में इम्प्लांट करने के लिए किसी ब्रेन सर्जरी का रिस्क उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। इसमें बस इस स्टेंट रोड को ब्रेन को सराउंड करने वाली ब्लड वेसल्स में इम्प्लांट किया जाता है। यहाँ आकर ये स्टेंट रोड ऐसे खुल जाती है और इस पर लगे ये छोटे छोटे सर्कल्स ब्रेन से आ रहे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को रिकॉर्ड करते हैं। फिर ये सिग्नल्स चेस्ट पर अटैच एक छोटे से डिवाइस तक रिले होते हैं और सिग्नल मिलते ही चेस्ट पर लगी डिवाइस न्यूरालिंक के N1 चिप की ही तरह ब्रेन के सिग्नल्स को जीरोस और वंस में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को भेजती है। सो टू सम इट अप, सिंक्रॉन की टेक्नोलॉजी को इंस्टॉल करना काफी सिंपल है और इसके लिए ब्रेन सर्जरी की भी जरूरत नहीं है। यानी इन ऑल प्रैक्टिकल सेंस लोगों का इस टेक्नोलॉजी को अपनाने के चांसेस बहुत ज्यादा है और इसीलिए ये टेक्नोलॉजी एक कमर्शियल हिट साबित हो सकती है अगर एलॉन मस्क और उसकी टीम ने कुछ नहीं किया। प्लस इसके पेशेंट्स भी न्यूरालिंक के पेशेंट्स के कंपैरिजन में काफी अलग अलग किस्म के काम कर सकते हैं। लाइक लिटरली उन्होंने सिर्फ अपने सोच से व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल और एक्सपर्ट ट्वीट करके दिखाया। यानी एक तरह से ये प्रोडक्ट तो बहुत ही बेहतर है। सो इज इट अ टोटल चेकमेट फॉर एलॉन मस्क एज ऑफ नाउ? वेल, मस्क ने इन ऑफरिंग्स को काउंटर करने के लिए रिसेंटली अनाउंस किया कि वो अपने न्यूरालिंक चिप की मदद से एक बायोनिक आई भी बनाने वाले, जिसकी मदद से कंप्लीटली ब्लाइंड लोग को भी जिंदगी में दृष्टि नसीब होगी और वो फाइनली देख पाएंगे। नाउ दिस बायोनिक आईज टेक्नोलॉजी कैन ट्रूली बी अ गेम चेंजर और इसी वजह से एलॉन मस्क इस कंपटीशन में जरा भी पीछे नहीं है। असल में बायोनिक आईज को लेकर मस्क का प्लान काफी सिंपल है। वो कंप्लीटली ब्लाइंड लोगों को रिकॉर्डिंग कैमरा से लैस चश्मे देंगे जिन्हें पहनने के बाद उन लोगों को इस तरह की स्ट्रीट एटलीस्ट शुरू में कुछ इस तरह से दिखाई दे। रिकॉर्डिंग कैमरा वाले चश्मे सामने मौजूद चीजों का वीडियो रिकॉर्ड करेंगे और इस डेटा को न्यूरालिंक के स्मार्टफोन ऐप में भेजेंगे और फिर ये ऐप इस डेटा को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करके ब्लाइंड लोगों के ब्रेन में इंस्टॉल किए N1 चिप को भेजेगा। अब इस चिप के पिंस ब्रेन के ऑप्टिक रीजन में इंसर्टेड होंगे, तो जब उन पिंस में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आएंगे वो ऑप्टिक रीजन में मौजूद न्यूरॉन्स को एक स्पेसिफिक पैटर्न में फायर कराएगा जिससे आंखों के सामने व्हाइट डॉट्स बनेंगे और इस तरह से उन ब्लाइंड लोगों के आंखों के सामने ऐसी इमेज बनेगी। अब आई नो इस इमेज को देखकर आप कहोगे कि कितनी प्रिमिटिव इमेज है, बट देखो ऐसा नहीं है। अगर कोई बचपन से ही ब्लाइंड है तो उसके दिमाग में लाइट की इंफॉर्मेशन ही नहीं होती, तो ऐसे में यहीं से ही शुरुआत करनी होती है ऐसे डॉटेड इमेजेस से। और ओवर टाइम जब इन डॉटेड इमेजेस से एक रेफरेंस पॉइंट उनके दिमाग में बनने लगेगा तब जाके हम ज्यादा डिटेल्ड इमेजेस उनके दिमाग में फीड कर पाएंगे। और अगर ये सोल्यूशन सक्सेसफुल होता है तो इसी टेक्नोलॉजी की मदद से हम दूसरे डिसेबिलिटीज को भी फिक्स कर पाएंगे क्योंकि BCI जैसी टेक्नोलॉजी की मदद से साइंटिस्ट ब्रेन को और बेहतर तरह से समझ पा रहे। एंड यू मे नॉट इवन नो बट इसी की बदौलत एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्टों ने लैब में एक आर्टिफिशियल ब्रेन तक को बनाया। उनका ये आर्टिफिशियल यानी कंप्लीटली नकली ब्रेन 8 अलग अलग मेल वॉइसेस के 240 वेरिएशंस में से फर्क पहचान सकता है। सो क्या साइंटिस्टों ने फाइनली एक कॉन्शियस ब्रेन को बना लिया है? इफ यस, तो आखिर ये काम कैसे करते हैं और कैसे इनकी मदद से हम अपने दिमाग को शार्प बना सकते हैं?
इन सभी सवालों के जवाब पूरे कॉन्सेप्ट के साथ मैंने अपने इस मिनी ब्रेन्स के वीडियो में ऑलरेडी दे दिए हैं, जिसे आप यहां पर क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो से कुछ भी नया अगर आपको सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना और सब्सक्राइब कर लो गेट्स इट फ्लाई साइंस चैनल को ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। और हां फ्रेंड्स, जाने से पहले मोशन एजुकेशन के लॉटरी 3.0 स्कॉलरशिप में एनरोल करना मत भूलना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। सी यू नेक्स्ट टाइम, एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग। जय हिंद।